जिन बुधापुर के गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन राकेश बजरंगी पुरानी नगर पालिका में पानी की टंकी के निर्माण में घटिया सामग्री देख भड़क गए, जिन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान सभासद भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने निर्माण कार्य में घटिया सामग्री देख जमकर विरोध किया। गढ़मुक्तेश्वर के नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर में 23 करोड़ रुपये की लागत से पानी की टंकियाँ लगाई जा रही हैं। सोमवार को निरीक्षण के दौरान जब वह पुरानी नगर पालिका के पास पहुंचे तो देखा कि पानी की टंकी के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा से भी की है। गढ़मुक्तेश्वर की पुरानी नगर पालिका है, जहाँ पर ये निर्माण कार्य हो रहा है और जो इसमें निर्माण कार्य हो रहा है मानक के अनुरूप कोई कार्य नहीं हो रहा। इसमें अभी आपने देखा था 3 इंची सरिया लगा हुआ है और मानक के रूप इसमें कोई सीमेंट नहीं है और ना ही मानक के रूप कोई कार्य हो रहा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कब तक ये स्थिर रहेगी या नहीं रहेगी। हाँ, माननीय डीएम साहब से कंप्लेंट फोन से मेरी बात हुई थी, डीएम साहब ने कहा था हम इस पर जाँच करेंगे और उस पर बात करेंगे। और जब मैं यहाँ वार्डों का निरीक्षण करने के लिए आया था, यहाँ लोग बाग इकट्ठे थे काफ़ी, उन्होंने मुझे बुलाया, चेयरमैन साहब देखिए कितनी घटिया सामग्री मानक, मतलब कितनी घटिया सामग्री लगाई जा रही है जो मानक के अनुरूप नहीं है। 23 करोड़ के लगभग पूरे कस्बे में टंकियां लगाई जा रही हैं। यहाँ 89 से लगातार चुनाव लड़ रहा हूँ इसी वार्ड से और आज मुझे 35 साल के लगभग हो गए हैं। चौथी पांचवी योजना में मैं आ रहा हूँ तो आज से पहले यहाँ पर बहुत सारे कार्य हुए, इसका विरोध या इसके लिए हमने देखा कि जो सामग्री मानक रूप होनी चाहिए, एक टंकी पानी की टंकी बनने के लिए जगह द्वारा, वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। इससे हमारा एक खतरा बनता है कि कल को अगर ये मानक के अनुसार कार्य नहीं अनुरूप तो कल को बहुत कोई घटना होगी, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। तो हमने इसलिए इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्हें डीएम साहब से हमारे चेयरमैन महोदय ने की थी शिकायत भी, और अब भी हम सभी लोग पूरा बोर्ड और पूरा वार्ड इसका खिलाफत करते हैं। हम चाहते हैं कि इस कार्य को मानक रूप करें और नहीं तो कार्य के खिलाफ धरना भी होगा, प्रदर्शन भी होगा, कार्य भी होगा। जिस मकान की या जिस चीज़ की नींव ही कमजोर हो जाएगी तो कहाँ आगे सक्सेस हो पाएगा, कहाँ चल पाएगा। वो जो सामग्री इसमें लगनी चाहिए, सीमेंट हो या मतलब बदरपुर हो या जो भी है सरिया हो, वो मानक के रूप नहीं लग रहा है जैसा कि ज्ञात हुआ है पता करने से। हम ये चाहते हैं कि ये कार्य मानक स्वरूप हो, तभी इसमें जो है सफलता मिलेगी और लोगों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। वही सभासद भी इस दौरान एकत्र हो गए, जिन्होंने घटिया निर्माण सामग्री का जमकर विरोध किया। आपको बता दें कि घटिया सामग्री के इस्तेमाल से यदि पानी की टंकी का निर्माण होता है तो वह कभी भी गिर सकती है। गढ़वासियों का कहना है कि यदि बढ़िया गुणवत्ता की निर्माण सामग्री नहीं लगाई गई तो वह धरना प्रदर्शन करेंगे। वही अध्यक्ष ने मामले में जाँच की मांग की है।